के न्यू ईयर पार्टी में बड़ा मजा आएगा। हाँ, मैं तो खूब गाऊंगी और नाचूंगी भी। तारे नगर को रोशनी इसी जगह से मिलती है, मगर अब ये रोशनी मेरी होगी। बस एक प्लग लगाऊंगा और सारी रोशनी मेरे सूट में कैद हो जाएगी। तारे नगर में सिर्फ अंधेरा होगा, अंधेरा। लगता है बिजली चली गई। आर्य नगर का राजा इलेक्ट्रिक मनु। अब आर्य नगर की सारी रोशनी मेरे सूट में कैद है। आज के बाद तुम सब मेरे लिए काम करोगे, मेरे गुलाम बनोगे। बच्चे स्कूबा डाइविंग के मजे ले रहे हैं, पर जब वो बाहर निकलेंगे तो सारे के सारे बच्चे मेरे हाथों की कठपुतलियां होनी चाहिए। दोस्तों में माइक्रोचिप प्लांट कर दिया है मैंने। शाबाश मुराका, शाबाश। अपने दोस्तों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा सुपर हीरो माइटी राजू के लिए। ओ हाय दोस्तों, तुम लोगों के लिए जूस लेकर आया हूँ। Wow.
क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे क्यों? दोस्तों, क्या हुआ है तुम लोगों को? मुझे क्यों अटैक कर रहे हो? ओह, अब तक मुझे लगा ये सब स्कूबा डाइविंग का असर है। ये तो दुश्मनों की चाल है। टिकटॉक, टाइम फॉर माइटी राजू। मोबी, कम ऑन। अंकल, माइटी राजू हियर। डार्क विंग जेल से फरार हो गया है। तुम पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। वहाँ डार्क विंग जेल से फरार हो गया है और यहाँ मेरे दोस्त होश खो बैठे हैं। इसके पीछे डार्क विंग का ही तो हाथ नहीं। हेलो। कुछ नहीं अंकल, आप बीच आइलैंड पहुँच जाइए। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ओके राजू। मुझे एक बार पूरा एरिया छान मारना होगा। कहीं डार्क विंड अपना डेरा यहाँ तो नहीं जमा के बैठा है? अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो। अगला नंबर तुम्हारा है राजू। चार्ली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्लासरूम है, कोई एयरपोर्ट नहीं। अच्छा बच्चों, मुझे एक खास अनाउंसमेंट करनी है। कल हम कैंटीन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो कौन कौन इसमें हिस्सा लेना चाहेगा? हम लेना चाहेंगे। और ये कैंटीन डे क्या होता है? कैंटीन डे में फूड स्टॉल्स लगाई जाएंगी। हर स्टॉल पर 3 स्टूडेंट्स होंगे। तुम सबको अपने घर से चीजें लाकर कोई भी खाने की डिश बनानी होगी, जैसे कि सेव पूरी, पानी पूरी, सैंडविच, कुछ भी। अगर स्टूडेंट्स को तुम्हारी डिश पसंद आई तो वो तुम्हें एक गोल्ड स्टार देंगे, और जिस स्टॉल को सबसे ज्यादा गोल्ड स्टार्स मिले उस टीम को स्टार मेडल्स मिल जाएंगे। स्टार मेडल हमें जीतना होगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें कल मिलूंगी। और याद रहे, खाने की चीज तुम्हें खुद बनानी होगी। राजू, गोपी, क्यों ना हम पानी पूरी बनाएं? पानी पूरी तो सबको पसंद होती है। गुड आइडिया जूली, मैं पूरी लेकर आऊंगा। और मैं रगड़ा का मसाला। और मैं मीठी चटनी और पानी लेकर आऊंगी। बस, अगर हम स्टार मेडल जीतेंगे ना, तो रोज पहनकर बाकी बच्चों का मजाक उड़ा सकते हैं। हमें सेव पूरी बनानी चाहिए, सबको सेव पूरी पसंद होती है। ये सेव पूरी पानी पूरी बनाने में बहुत मेहनत है, इन सब पचड़ों में कौन पड़ेगा? घर में सिर्फ चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स के पैकेट्स उठा लाना, सबको चॉकलेट बिस्किट्स पसंद होते हैं। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारे गोल्ड स्टार्स भी हमारे। फिलहाल जो दो स्टॉल्स सबसे आगे हैं वो है राजू और चार्ली के स्टॉल्स। अब क्योंकि राजू और चार्ली के टीम के बीच टाई है, तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए प्रिंसिपल रुस्तम दोनों स्टॉल्स के आइटम को टेस्ट करेंगे। तो राजू और चार्ली, जल्दी से अपने अपने स्टॉल्स की आइटम बनाकर स्टेज पर ले आए। चॉकलेट पानी पूरी तैयार है। दिखने में तो बड़े ही टेस्टी है, एक खा कर देखता हूँ। <आ,
बिस्किट है या मिर्ची की दुकान, इसे कोई कैसे खा सकता है? यम्मी, क्या स्वाद है, क्या है ये? चॉकलेट पानी पूरी। क्या कमाल का आइडिया है, राजू गोपी और जूली की टीम जीतती है। ये। उन तीनों को एक स्टार मेडल मिलेगा। और तुम, तुम्हारा नाम तो कुकिंग क्लास में लिखवाना चाहिए, ताकि अगली बार कुछ ऐसी चीज बनाओ जो इंसान खा सके। कुछ
ऐसा करते हैं कि माइटी राजू को चीफ गेस्ट बन के आना ही पड़े। क्यों? सच राजू? सभी का स्वागत है। स्वागत कीजिए आर्यनगर अंतरिक्ष कार्यक्रम के हमारे नायक और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामी का। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर हीरो माइटी राजू आज हमारे स्पेसशिप का उद्घाटन करने अभी कुछ ही देर में यहाँ आएंगे। चार्ली, वो इनाम है उनके लिए जो इस खेल में जीतते हैं। कौन से इस जोकर वाले गेम में? तुम तीन बार गेंद फेंक कर कोशिश कर सकते हो, ये लो। मैं तो एक ही बार में गिरा दूंगा। आउच, मुझे नहीं, क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा, अब हटो। अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा, तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। हा? अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा, तो वो उस रबर के सांप से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चार्ली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक, मैट ट्रैक को ऑन करो। मेरी आँख और नाक। सही कहा था, तुम्हारा निशाना काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय बाय। अब देखते हैं इस मशीन का कमाल। काम कर गया। चलो देखते हैं ये इंसानों पे काम करेगा या नहीं। ठीक है।
वैसे सर। तुम तो हूबहू मेरे जैसे दिख रहे हो। इसी का तो फायदा होगा। इसका मतलब इसका मतलब अब मैं बनूंगा दुनिया का नंबर वन साइंटिस्ट। हाँ कमिश्नर अंकल। माइटी राजू, जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हमारे सीसीटीवी कैमरे ने कुछ कैप्चर किया है। मैं अभी पहुंचा। माइटी राजू, मेरे साथ चलो, वहां देखो। ये कैसे हो सकता है? डैड और चोरी? हमें पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ कमिश्नर सर, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ चिकी। राजू, मुझे लैब में एक रिपोर्ट मिली है। ठीक है, मुझे भेजो। प्रोफेसर शायद क्लोनिंग मशीन पर काम कर रहे थे, जिससे कोई भी किसी का रूप ले सकता है। इसका मतलब किसी ने डैड का रूप लिया है। तो असली प्रोफेसर किधर होंगे? इसके लिए डुप्लीकेट को ढूंढना होगा। सर, प्रोफेसर स्वामी स्पेस स्टेशन में है। ठीक है, तो चलो स्पेस स्टेशन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम तुम्हें रोकेंगे प्रोफेसर। असली प्रोफेसर कहाँ है? असली मतलब मैं ही हूँ असली। अब इससे बच के दिखाओ। माइटी वैम का वक्त आ गया है। लो राजू, इससे क्लोनिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर कहाँ है? वो क्लोनिंग बेड पर, जो ब्लू बटन पुश करने पर बाहर निकलेंगे। आज तेरी कोई करामत काम नहीं आएगी। मेरे प्रोजेक्ट को ही फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। तुम फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है तुम्हारा रोबोट प्रोजेक्ट? देखे तो जरा क्या कर सकता है। दूर रहो उससे चाली। नहीं तो क्या करेगा तू? ये रोबोट कुछ नहीं करता। ये तो भोपू वाला रोबोट है। चिकी किक। मॉर्निंग बच्चों, सब तैयारी हो गई? आज के प्रोजेक्ट्स के मार्क्स तुम्हारे फाइनल मार्क्स में जमा होंगे। मैम, मेरे रोबोट का नाम है चीकी। इसे हम बोल के कमांड दे सकते हैं। बहुत अच्छे राजू, ये तो कमाल का प्रोजेक्ट दर्शाया तुमने। चलो चाली, तुम्हारी बारी। मैम, अभी आप देखते जाओ, ये काम भी जबरदस्त करता है। खूब मेहनत की है मैंने। G
जल्दी करो चार्ली, ब्रेक टाइम होने वाला है। बस एक मिनट मैम। ओहो चार्ली, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। क्या स्टेटस है? क्या इस डैम को फूटने से हम बचा सकते हैं? ये तो बहुत ही गंभीर मामला है कमिश्नर खन्ना। मैं और मेरे इंजीनियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजू, आरे रिवर डैम किसी भी वक्त टूट सकता है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अभी आया खन्ना अंकल। हमारी है।